हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्योर मैथ्स का ये सिलेबस। और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा फोकस होगा वो क्वाड्रेटिक्स के ऊपर होगा। पेपर वन का जो फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स 9709 का ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक्स। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि आपके पास जो सिलेबस है इसका वो है, ये सारे जो 8 टॉपिक्स हैं आपके पास, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अब हम क्वाड्रेटिक्स के ऊपर फोकस करें तो क्वाड्रेटिक्स का आपके पास जो सिलेबस है वो ये सारा सिलेबस है। इसकी अगर आपके साथ मैं समरी डिस्कस करूँ तो बेसिकली क्वाड्रेटिक्स के अंदर हम तीन चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली तो ये है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, और फिर उसको यूज़ करके हम ग्राफ को स्केच करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे कि क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके आप किस तरीके से ग्राफ को स्केच कर सकते हैं, और आप ग्राफ को इजीली स्केच कर सकते हैं, उसकी वर्टिक्स बता सकते हैं, उसका टर्निंग पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि जिसमें आपके पास हाईएस्ट पावर या इन अदर वर्ड्स डिग्री जो है वो आपके पास 2 हो। लेट्स से ये एक एग्जांपल है। नाउ दिस वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें अगर अच्छा एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी हो, स्टिल इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर ऑर्डर चेंज भी हो फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आ रही है, वो आपके पास 2 आ रही है। इट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम इसको दो तरीकों से सॉल्व करेंगे, दो मेथड्स इसके लिए यूज़ करेंगे। पहला जो हम अब तक करते आए हैं, जो ओ लेवल में हम यूज़ कर रहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना। ओ लेवल में हम किस तरह यूज़ कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, और सिर्फ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को ही यूज़ करेंगे। इसको अब आप ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब 4x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5। और अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाह रहे हैं सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 2 प्लस दिस विल बी 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर लिख रहे हैं तो माइनस 2 स्क्वायर भी हमें लिखना होगा। सो फाइनली अगर आप इसको यहाँ तक देखें सो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, दैट विल बी एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर। अब दिस विल बी माइनस 4 प्लस 5। सो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आ रही है दैट विल बी एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 1। अब ये जो पुराना मेथड था जिससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में करते थे, एक चीज़ याद रखें कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि दिस ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के। अब अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करें कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ए की जगह पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इट इज़ 1। एच की वैल्यू आपके पास 2 और के की वैल्यू आपके पास 1। अभी आपको बता क्या रहे होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर होगा कि ए का मतलब क्या है। ए आपको अब ये जो फॉर्म है ये आपको नेचर बता रही होती है, और दूसरी चीज़ जो है वो आपको ये बता रही होती है कि आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या होगा, या इन अदर वर्ड्स के वर्टिक्स क्या होगी। इसको आप टर्निंग पॉइंट या आप इसको वर्टिक्स भी कह सकते हैं। अब
आप अगर इसमें देखें नेचर का आपको किस तरह पता चलता है, नेचर का पता चलने के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी होती है माइंड में वो ये है कि आपके पास अगर ए पॉजिटिव होगा, इफ ए इज़ पॉजिटिव, इट मींस कि आपकी जो पैराबोला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कर्व इस शेप का होगा, और अगर ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी तो आपके पास जो पैराबोला का कर्व है वो इस फॉर्म में होगा। अब एक चीज़ नोट करने एक और भी है कि अगर आपके पास ए पॉजिटिव है तो आपके पास जो टर्निंग पॉइंट है वो ये होगा, ये वर्टिक्स जो है वो ये होगी, और इसका मतलब ये है कि दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, बिकॉज ये सबसे मिनिमम वैल्यू इस पैराबोला की यही होगी। सिमिलरली अगर आपके पास नेचर जो है वो नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है और नेचर पैराबोला इस फॉर्म का है, सो दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉइंट। तो वर्टिक्स पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू होगी। सिमिलरली अब हम टर्निंग पॉइंट के लिए हमेशा आपने ये याद रखना है कि दिस विल बी एच के। अब एच के का मतलब ये है, अब इस केस में अगर आप देखें तो आपकी वर्टिक्स होगी 2 एंड 1। नाउ अब आप अगर इसमें एक और चीज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, वो किसी भी इक्वेशन में आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी अगर आप फाइंड करें वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना होता है, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप करेंगे एक्स को जीरो पुट करें। सो अगर आप इस इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करें सो वाई विल बी इक्वल्स टू 5। इस मेन इक्वेशन में भी अगर आप एक्स को जीरो पुट करें तो वाई विल बी इक्वल्स टू 5, और अगर इस इक्वेशन में भी आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई आपके पास 5 ही आएगा। सो स्क्वेयर प्लस 1, सो दिस विल बी 4 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास 5 आ गया, वर्टिक्स आपके पास 2 और 1 आ गई। ओके अब हम और नेचर भी हमें पता चल गई। अब हम अगर एक रफ सा ग्राफ स्केच करें तो ये एक बिल्कुल ही रफ सा ग्राफ स्केच करते हैं। ओके अब इसके एक पॉइंट, दिस पॉइंट इज 1 एंड लेट से दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज लेट से दिस इज 5। सो अगर हम इसका ग्राफ स्केच करें तो ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे पहले तो हम वर्टिक्स देखेंगे, वर्टिक्स विल बी एट दिस पॉइंट, और वाई इंटरसेप्ट आपके पास 5 है। इट मींस कि आपका जो पैराबोला है वो कुछ इस शेप का बनेगा। अब नेचर ऑफ द रूट भी आपको पता चल गई और आपके और ये पता लग रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट आपके पास कुछ नहीं आ रहा है, ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है बिकॉज ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, और आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। बट राइट नाउ आप रफली आपको ये आइडिया हो गया कि ग्राफ को किस तरीके से स्केच कर सकते हैं, और इसमें आपने अब ये आपके जो वर्टिक्स है वो एच के है, और इस केस में आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 2 एंड 1, सो दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 1। वाई एक्सिस पे इट्स 1 एंड एक्स एक्सिस पे इट्स 2, सो वी विल से दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स विल बी 2 एंड 1। अब इसी क्वेश्चन को हम अब एक डिफरेंट, लेट से अगर आप में से किसी को भी ओ लेवल का जो जो एक्सप्रेशन था वो फाइंड करना आपको अगर नहीं आता फिर भी आपने इस पे परेशान नहीं होना। आपके पास एक सिंपल मेथड जो हम यूज़ करेंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, और जो बहुत ही सिंपल सा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, उसको अगर आप देखें सो आप ये देख सकते हैं एक्स। अब क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको आप बनाना क्या चाहते हैं, इसको आप एक्स माइनस एच होल स्क्वायर
प्लस के, आप इसको इस फॉर्म के साथ लेके आना चाह रहे हैं। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, सो दिस विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस के। ओके, नाउ दिस विल बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस टू ए एच एक्स प्लस के। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं, सो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव विल बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एच एक्स प्लस ए एच स्क्वेयर प्लस के। ओके, अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कोफिशेंट्स को। तो अगर हम कंपेयरिंग कोफिशेंट्स, सो अगर हम कोफिशेंट्स को यहाँ से ऑनवर्ड कंपेयर करें, सो एक्स स्क्वेयर का यहाँ कोफिशेंट है आपके पास ए, और यहाँ पे आपके पास कोफिशेंट है एक्स स्क्वेयर का वन, सो ए विल बी इक्वल्स टू वन। सिमिलरली माइनस टू ए एच, अब एक्स का कोफिशेंट कंपेयर कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस फोर, और यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टू एच इज इक्वल्स टू माइनस फोर, सो एच विल बी इक्वल्स टू माइनस फोर बाय माइनस टू, सो फाइनली एच विल बी इक्वल्स टू टू। तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। और सेकंड आपके पास, अब हम k की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए एच स्क्वेयर प्लस के इज इक्वल्स टू फाइव, बिकॉज हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस साइड पे ये कंप्लीट को आप कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आपके पास फाइव कॉन्स्टेंट है। सो फर्दर दिस विल बी, अब a की वैल्यू वन है, h की वैल्यू टू है, प्लस के इज इक्वल्स टू फाइव, सो दिस विल बी फोर प्लस के इज इक्वल्स टू फाइव, एंड देन के विल बी इक्वल्स टू फाइव माइनस फोर, एंड के विल बी इक्वल्स टू वन। सो इस मेथड से भी अगर आप देखें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है ए एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के है, तो ए की वैल्यू आपके पास वन है, और h की वैल्यू आपके पास 2 है, और k की वैल्यू आपके पास 1 है। सो आप इस फॉर्म में भी देखें तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आ रही है वो यही आ रही है। सो आप इन दोनों मेथड में से जिसको भी यूज़ करें कंप्लीटिंग स्क्वेयर के लिए, दोनों बिल्कुल ठीक हैं और इसको ठीक कंसिडर करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगेन यही है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वेयर की फॉर्म को यूज़ करना है अपने ग्राफ के लिए, और अपने ग्राफ की आपने नेचर बतानी है, और उसके अलावा आपने टर्निंग पॉइंट बताना है। नेचर आपके पास हमेशा ए के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर ए पॉजिटिव है तो आपके जो ग्राफ है उसकी नेचर इस तरह की होगी, और अगर ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो आपके ग्राफ की वैल्यू इस तरह होगी, और जो वर्टेक्स होगी पॉजिटिव के केस में ये आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी, और नेगेटिव के केस में जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। दूसरी बात यह है कि आपके पास टर्निंग पॉइंट की वैल्यू हमेशा एच और के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। लाइक अगर फर्स्ट केस में देखें तो एच आपके पास टू है, के आपके पास वन है। ओके, टर्निंग आई होप कि ए के लिए तो आप क्लियर हैं। अब हम तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ उसकी आपने पहले आप अपने पास इसको नोट करें, और इसका आप अपना वीडियो को पॉज करके इसका आप अपना आंसर लिखें कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा। चलें फिलहाल सिर्फ टर्निंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और सिमिलरली एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, बिकॉज टर्निंग पॉइंट में आप मोस्टली जो है कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और इसमें आप साइन की गलती मोस्टली बच्चे इसमें करते हैं। वाई इज इक्वल्स टू, ओके अब हम तीनों केसेस के लिए
टर्निंग पॉइंट लिखेंगे, और टर्निंग पॉइंट अब फर्स्ट के लिए अगर हम लिखें तो h और k की वैल्यू अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें, सो दिस विल बी -3 एंड -4। अब ये आया किस तरह, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपके पास नेगेटिव में है, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस x माइनस। सो अब आप देखें x h की वैल्यू भी माइनस आ रही है और k की वैल्यू भी -4 आ रही है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस को देखें, अच्छा इस फॉर्म में लिखा हमने क्यों है, बिकॉज यहाँ आपके पास माइनस होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास प्लस होना चाहिए, बिकॉज आपके पास x माइनस h होल स्क्वेयर प्लस 4 है, तो यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ माइनस। सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस को देखें तो सेकेंड में आपके पास y इज इक्वल्स टू x, अब यहाँ पे आपके पास अगेन माइनस लेके आना है, सो -1 होल स्क्वेयर प्लस, सो इसके भी आपके पास जो h और k की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास -1 एंड -2। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, इसमें भी अगर आप कंपेयर करें, सो x माइनस h होल स्क्वेयर है ऑलरेडी है प्लस k, सो इस केस के अंदर आपके पास h की वैल्यू भी पॉजिटिव है और k की वैल्यू भी पॉजिटिव है, सो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट होगा फॉर द लास्ट वन। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, अब तक हमने सिर्फ पॉजिटिव के केस को डिस्कस किया, अब हम इसके बाद नेगेटिव के केस को, एक एग्जांपल हम नेगेटिव की करेंगे, ताकि एटलीस्ट आज आपको यह आइडिया हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, और फिर उसको यूज़ करके हम ग्राफ को किस तरीके से स्केच कर सकते हैं। ओके, लेट्स से ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है +8। अब इसका अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -2, या इन अदर वर्ड्स नेगेटिव आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि आपके जो ग्राफ की जो नेचर है वो आपके पास ये होगी। सिमिलरली आपके पास h और k की वैल्यू अगर हम देखें इस केस में, तो h की वैल्यू आपके पास -1 और k की वैल्यू आपके पास +8 है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बिकॉज आपको नेचर का आइडिया हो गया, तो ये आपकी वर्टिक्स है, तो वर्टिक्स विल बी एट दिस पॉइंट। अब हम दो चीज़ें, ये तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि आपके पास नेचर क्या है #1, और दूसरी चीज़ आपको पता चल गई कि वर्टिक्स या टर्निंग पॉइंट आपके पास वो क्या है, वो आपको यहाँ से पता चल। थर्ड जो हम फाइंड करेंगे वो है आपके पास y इंटरसेप्ट, और उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है आपके पास x इंटरसेप्ट। किसी भी ग्राफ को अगर आपको याद हो, ओ लेवल में आप किसी भी ग्राफ को या कर्व को प्लॉट करने के लिए आप पूरा एक टेबल बनाते थे, और उसके बाद आप उस कर्व को या उस ग्राफ को, उन वैल्यूज को प्लॉट कर लेते थे। बट यहाँ पे आपने इन चार पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का ग्राफ आपने प्लॉट करना है। ओके, अब वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट है आपके पास, वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है कि एक्स को आपने जीरो पुट करना है। सो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स को अगर आप जीरो पुट करें, सो दिस विल बी +8, सो वाई विल बी इक्वल्स टू -2 × 1 + 8, तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट किस पॉइंट पे आ रहा है, दैट विल बी 6। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट अब फाइंड करने के लिए आपको वाई को जीरो करना है, सो दिस विल बी -2 × x+1 होल स्क्वेयर था, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 8 एंड देन 0 विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8. सो आपके पास जो x इंटरसेप्ट आ रहा है दैट विल बी वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वेयर, इसको इस तरफ लेके आए ताकि साइंस पॉजिटिव हो जाए, प्लस 4x एंड देन माइनस 2 प्लस 8 6 था, तो ये सिर्फ आगे माइनस 6 इक्वल टू 0. और अगर हम इसको फर्दर यहाँ से 2 को कॉमन लें, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड अगर हम करें, सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ से मिड टर्म ब्रेकिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसके कोशिश करेंगे कि इसके हम फैक्टर्स बनाएं. तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, सो आपके पास वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो एक्स को अगर हम कॉमन ले लें, सो यहाँ से ये क्या होगा, एक्स प्लस 3 एंड देन माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 3. सो मिड टर्म ब्रेकिंग से इसका आपके पास एक्स माइनस 1 एक फैक्टर आ गया और एक्स प्लस 3 एक फैक्टर आ गया. सो विच मीन्स दैट एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 एंड एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 3. सो ये वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ गया. अब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और हम इनका इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो एक चीज़ आप यहाँ पे मैं लिखता जाऊँ ताकि आपको याद रहे, वाई इंटरसेप्ट आपके पास 6 था, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपके पास 2 वैल्यूज़ थी, एक आपके पास पॉजिटिव 1 और एक आपके पास नेगेटिव 3. और आपके पास जो टर्निंग पॉइंट था वो आपके पास था, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ज़रा दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे. सो टर्निंग पॉइंट आपके पास माइनस 1 और 8 था और नेचर ऑफ द रूट भी हमने ये फाइंड की थी, वो आपके पास इन्वर्टेड था. सो माइनस 1 एंड 8 टर्निंग पॉइंट है आपके पास. सो टर्निंग पॉइंट आपके पास है माइनस 1 एंड 8. सो अब हम इसको सिंपली प्लॉट करते हैं. सो प्लॉट करने के लिए अगर आप एक रफ सा इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, इसको रेज कर देते हैं. ओके, आपके पास जो अभी भी नहीं बन रही, बट आई होप कि आपको इसका एक आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ को स्केच किस तरह करना है. ओके, अब हम रफली अगर हम देखें तो लेट्स से दिस पॉइंट इज 8 एंड दिस पॉइंट इज 6 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज माइनस 1. तो अब हम अगर हम अपने टर्निंग पॉइंट को देखें तो टर्निंग पॉइंट माइनस 1 और 8, सो माइनस 1 एंड 8, सो इट मीन्स दैट दिस विल बी हेयर. देन y इंटरसेप्ट आपके पास 6 है, सो दिस विल बी हेयर. देन x इंटरसेप्ट आपके पास एक 1 है और एक आपके पास माइनस 3 है, सो दिस. अब ये देखें, ये अब आपके पास 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए. अब हम इनको सिंपली इस ग्राफ को स्केच करेंगे, ये एंड देन इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सो आपके जो पैराबोला की शेप होगी वो इस तरह की होगी. अच्छा, ये हमने क्यों डिसाइड किया, बिकॉज ए आपके पास था नेगेटिव 2 और ए जब भी आपके पास नेगेटिव होगा इसका मतलब ये है कि आपके पैराबोला का जो ग्राफ होगा ये वो इस तरह का ग्राफ होगा. और ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे माइनस 1 एंड 8 है,
सो वी विल से के आपके आपकी वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -1 और 8। आई होप कि आपको आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो क्लियर हुई होंगी। पहली चीज़ तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये, जो थर्ड हमने किया है वो हमने ये किया है कि हाउ टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमने इसमें हमने ये डिस्कस किया कि कंप्लीटिंग स्क्वेयर फॉर्म से आपको क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। यहाँ से आपको नेचर ऑफ द रूट पता चल सकता है, आपकी जो कंप्लीटिंग स्क्वेयर फॉर्म है उससे नेचर पता चल सकती है, एंड देन वहाँ से आपको, उसके अलावा आपको यहाँ से टर्निंग पॉइंट या इन अदर वर्ड्स आपके पास वर्टेक्स पता चल सकती है। उसके अलावा आप वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे स्केच करने के लिए, और आखिर में आप एक्स इंटरसेप्ट भी फाइंड करेंगे ग्राफ को स्केच करने के लिए। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है इसमें हमने दोनों मेथड डिस्कस किए कि आप ओ लेवल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो न्यू मेथड है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये बहुत सारे इससे फेमिलियर नहीं होंगे, उसको भी हमने डिस्कस किया। सो आपका इन इस टॉपिक में से अभी ये टॉपिक रहता है, इसमें हमने फर्दर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में, सेकेंड लेसन में, लेकिन राइट नाउ फिलहाल हम आपको एटलीस्ट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोई भी आपका फीडबैक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।